हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा दर्शन वाला पाठ चलते आ रहा है, उसी में आज हम देखेंगे जैन दर्शन के बारे में, जो कि एक नास्तिक दर्शन है, कि जैन दर्शन में के क्या क्या सिद्धांत है। इसके अलावा पेपर में आए हुए कुछ और क्वेश्चन है दर्शन संबंधित, उसको भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जैसे कि अभी हमारा दर्शन वाला पार्ट चल रहा है, तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें जो है कमेंट आते हैं कि सर ये पार्ट भी करा दीजिए, वो पार्ट भी। तो देखिए, जो पार्ट चल रहा है वो जरूर कंप्लीट होगा, जैसे कि जिले वाला पार्ट पीछे छूटा हुआ है वो भी कंप्लीट होगा। लेकिन अभी जो है दिन में एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, मेरे भी काम है, इसके अलावा जो है पेपर भी बनाना है मेरे को, टेस्ट पेपर जैसे कि मैंने कहा है, तो दिन में एक वीडियो आ रहा है, इसी के लिए जो है जिले वाला पार्ट अभी छूटा हुआ है। लेकिन वो आने वाले समय में कंप्लीट होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। कि अगर मैंने उसको चालू किया तो जरूर खत्म करूंगा। मेरा कोई भी पिछले वीडियो में कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, कोई भी वीडियो, जो भी चीजें मैंने उठाई है, जैसे पंचायत लिया तो पंचायत को भी मैंने कंप्लीट कराया, नगर निगम लिया वो भी कंप्लीट कराया है, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिया था वो भी कंप्लीट करा, वैसे दर्शन भी कंप्लीट होने वाला है और जिला वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होगा। छूटेगा आपका कोई सा पार्ट नहीं, जो भी पार्ट है वो कवर होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप कमेंट जो है, मैं जान रहा हूँ कि आपका छूटा हुआ पार्ट है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, अगर मैं चालू किया तो मेरे को उसका ध्यान भी है कि उसको भी कराना है, ठीक है। तो आप ये कमेंट बार बार मत कीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का पार्ट, और कल के वीडियो में कुछ डाउट भी आया था उसको भी मैं इसी में बता दूंगा आपको। चलिए चालू करते हैं, देखते हैं कि जैन दर्शन में आखिर क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा जैन दर्शन में आखिर जैन किनको बोला जाता है, ठीक है। तो जैन जो है जिनको मानने वालों को जैन कहा जाता है, यानी जो जिन के फॉलोवर होते हैं उनको जैन कहा जाता है। तो यहाँ पे जिन कौन है, उन व्यक्तियों को जिन कहा गया है जो मन वचन और काया, यानी अपने मन वचन और काया को कंट्रोल कर लिया या जीत लिया, उनको जिन कहा गया, और जिन को जो फॉलो करते हैं उनको जैन कहा गया, ठीक है। तो क्या है, मन वचन और काया, जिसने अपने मन वचन और काया को कंट्रोल कर लिया है या जीत लिया है, उन्हीं को जिन कहा गया, और जिन के फॉलो करने वालों को जैन कहा गया, ठीक है। तो जैन दर्शन में मुख्य रूप से जो है, जो जैन दर्शन के या जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके सिद्धांतों को जो है जैन दर्शन में मुख्य रूप से जगह दी गई है। यानी जैन दर्शन में हम जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे वो महावीर स्वामी के द्वारा ही दिए गए हैं, ठीक है, मुख्य रूप से महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए हैं। तो जितने भी सिद्धांत पेपर में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनेकांतवाद क्या है। तो अनेकांतवाद आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेकांतवाद कौन से दर्शन से संबंधित है, तो ये जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो अनेकांतवाद क्या होता है, इस अनेकांतवाद का मतलब जैन दर्शन में बताया गया है कि हर वस्तु के अनेक रूप हैं, यानी हर वस्तु के बहुत सारे अनेक रूप होते हैं, और उस जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो उस वस्तु के हर रूप को समझ नहीं पाता। यानी एक वस्तु के अनेक रूप हो सकते हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो उस वस्तु के अनेक रूप को समझ नहीं पाता। केवल वही व्यक्ति जो उसके सभी रूप को समझ सकता है जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो जिसको कैवल्य की प्राप्ति होती है उसको जैन दर्शन में कहा गया है केवली, ठीक है। जिसको कैवल्य की प्राप्ति होगी उसको जैन दर्शन में केवली कहा गया है, ठीक है। तो हर वस्तु के अनेक रूप होते हैं, ये सिद्धांत है अनेकांतवाद, कि हर वस्तु के जो है बहुत सारे रूप होते हैं और हर व्यक्ति जो है उस वस्तु के हर रूप को समझ नहीं सकता। केवल वही व्यक्ति उसके रूप को समझ सकता है जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है। तो याद रखेगा, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको केवली कहा जाता है, और अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन दर्शन से, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला कहा गया है स्यादवाद, ये पेपर में आ चुका है स्यादवाद। तो स्यादवाद क्या कहता है, वस्तुओं के समस्त गुण को एक साथ बताया नहीं जा सकता, अतः वस्तु के बारे में जो भी बताया जाए वह सापेक्ष सत्य होता है। यानी मान लीजिए मैं किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं उस वस्तु के हर जानकारी को जान जाऊं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मेरे लिए या मेरे ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो मेरे बारे में हर चीज जान जाए, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो छूट ही जाता है। तो वही बताता है स्यादवाद
कि वस्तु के बहुत सारे गुण होते हैं और उसके सारे गुण को समझ पाना संभव नहीं होता। ठीक है, तो यही है वस्तु के बारे में जो भी बताया जाए वो सापेक्ष सत्य है, यानी उसका एक एक प्रकार से आधा ही सत्य है, पूरा सत्य कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, यही सिद्धांत होता है स्यादवाद का। तो आपको याद रखना है अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित हैं। अगला हम देखते हैं त्रिरत्न। तो यहाँ पे जैन दर्शन में कहा गया है कि कैवल्य प्राप्ति हेतु त्रिरत्न का पालन आवश्यक है, यानी कैवल्य यानी ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होगा जिनको ये जो ये तीन चीज जो बताई गई है उसको फॉलो करे। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिरत्न पिछले बार के पीएससी का क्वेश्चन है जो कि रद्द हो गया था। ठीक है, क्योंकि जैन दर्शन में भी त्रिरत्न आता है, कई लोग बौद्ध दर्शन में जो त्रिपिटक है उसको भी त्रिरत्न मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएससी ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन व्यापम में जो त्रिरत्न का आंसर जैन दर्शन लिया जा चुका है, तो अगर व्यापम में आ रहा है तो जैन दर्शन उसका आंसर होगा, तो आपको वो लेके चलना है। त्रिरत्न कैवल्य प्राप्ति हेतु त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। क्या क्या त्रिरत्न बताए गए हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा बताया गया सम्यक ज्ञान, और तीसरा बताया गया सम्यक आचरण। ठीक है, तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि सम्यक का मतलब क्या होता है, तो सम्यक का मतलब जो होता है उचित होता है, एक्चुअल उसका मीनिंग एब्सोल्यूट या उचित बोला जाता है, तो सम्यक का मतलब जो है वो उचित है। ठीक है, उचित दर्शन, उचित ज्ञान, उचित आचरण। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था व विश्वास, यानी जितने भी जैन दर्शन में जो भी सिद्धांत बताए जाने उसमें आपको पूर्ण आस्था रखना है, पूर्ण विश्वास रखना है, यही होता है सम्यक दर्शन। ठीक है, फिर होता है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है? सभी जैन सिद्धांतों का यथार्थ ज्ञान, यानी सभी जितने भी जैन सिद्धांत है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है सम्यक ज्ञान। अगला है सम्यक आचरण, यानी जैन सिद्धांतों में जो भी बताया गया उसका पूर्ण रूप से उसका आचरण करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, यही होता है सम्यक आचरण। यदि कोई व्यक्ति या जैन भिक्षु ये तीनों को फॉलो करता है तो उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य यानी ज्ञान। यहाँ पे एक जैन दर्शन में कैवल्य को ही मोक्ष के स्वरूप माना गया है, यानी ज्ञान प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है। ठीक है, तो जो मोक्ष, तो आपको याद रखना है कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें यह माना गया है कि आदमी जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कैवल्य यानी ज्ञान, तो जीवित रहते हुए उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो उसको ही मोक्ष के स्वरूप माना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। जैन दर्शन में ही जो है ऐसा माना गया है कि व्यक्ति जो है जीवित रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है आपको जैन दर्शन संबंधित है, याद रखना है। अगला जो है महाव्रत एवं अणुव्रत, कल इसमें डाउट आया था, जैसे कि मैंने बताया था बौद्ध दर्शन में जो होता है पंच महाव्रत होता है। ठीक है, तो बहुत से लोग ने कमेंट किया था कि जैन दर्शन में पंच महाव्रत होता है, लेकिन जब एक्चुअल में क्या होता है, जो बौद्ध दर्शन में 10 सील होते हैं, उसका एक सिद्धांत होता है बौद्ध दर्शन का 10 सील, तो उसमें जो पहले 5 होते हैं जो कि सत्य अहिंसा असत्य परिग्रह ब्रह्मचर्य ही होते हैं, यानी ये सिद्धांत जैन दर्शन में भी है बौद्ध दर्शन में भी है। तो जो बौद्ध दर्शन के जो 10 सील होते हैं उसके जो शुरू के 5 होते हैं उसको पंच महाव्रत कहा जाता है, और जैन दर्शन में उसी को महाव्रत व अणुव्रत कहा जाता है। नॉर्मल बुकों में जो कोचिंग सेंटर की बुक है उसमें ही इसको पंच महाव्रत लिख के दे दिया है, लेकिन जैन दर्शन में एक्चुअल रूप से इसको महाव्रत और अणुव्रत कहा गया है। इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि महाव्रत किसको बोलते हैं और अणुव्रत किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 5 होते हैं, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सत्य वचन बोलना, अहिंसा यानी मन वचन से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना या मारपीट नहीं करना, अहिंसा का फॉलो करना। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप भ्रष्टाचार नहीं करना, अधिक धन का संचय नहीं करना, ये होता है अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है दुराचार ना करना। ठीक है, तो जो ये पहले 4 सिद्धांत है, सत्य अहिंसा असत्य और अपरिग्रह, ये जो है जैन तीर्थंकर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था, और जो ब्रह्मचर्य है ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा एड किया गया था। ठीक है, तो ये 5 जो है इन 5ों को मिलाकर महाव्रत या अणुव्रत कहा जाता है। तो इनको महाव्रत कब कहा जाता है? देखिए, जब ये 5 जो सिद्धांत बताए गए हैं, ये 5 स्टेप जो बताए गए हैं, जब कोई जैन भिक्षु जो है इसका कठोरता से पालन करता है,
यानी एकदम कठोर रूप से इसको पालन करता है, तो इसको महाव्रत कहा जाता है। लेकिन कुछ जैन दर्शन में जो गृहस्थ हो गए हैं, यानी जिनका विवाह हो चुका है, उनके द्वारा जो है इसमें कुछ ढील दे के इसको फॉलो किया जाता है, यानी इसको थोड़ा सरल रूप में फॉलो किया जाता है, तो इसको अणुव्रत कहा जाता है। यानी महाव्रत क्या है, जब इन पांचों स्टेप को जो है एकदम कठोरता से पालन किया जाए तो इस इन्हीं को पांच को महाव्रत कहा जाएगा, और जब इसको ढील दे के इसको फॉलो किया जाए, यानी कुछ सरलता से फॉलो किया जाए, जैसे जो गृहस्थ हो गए हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो इसको अणुव्रत कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाव्रत और अणुव्रत जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अगला होता है समलेखना या समाधि मरण। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, पीएससी 2015 का या 16 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होता है, जब जो जैन भिक्षु रहते हैं उनको जो है अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। ठीक है, पहली हो जाता है, उम्र हो जाती तो उनको एक मृत्यु का आभास होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो मृत्यु का इंतजार करते करते क्या करते हैं, अपने भोजन को त्याग देते हैं। यानी भोजन को त्याग कर अपने मृत्यु का इंतजार करते हैं, यानी समाधि ले लेते हैं, एक प्रकार से भोजन पानी जो भी लेते हैं उनको त्याग देते हैं और समाधि ले लेते हैं, तो और जो है उसके बाद जो है उनका देहांत हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है समलेखना या समाधि मरण। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जा चुका है, अपने मृत्यु का वरण कर, यानी अपनी मृत्यु को पहचान कर अन्न जल को त्याग देना ही समाधि मरण या समलेखना कहलाता है। ठीक है, तो ये समलेखना या समाधिकरण, जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा समलेखना ही किया गया था श्रवण बेल गोला जाके, तो वो भी इसी से यही है। तो याद रखिएगा, पेपर में समलेखना समाधि मरण आया था, तो समलेखना भी वही है, समाधि मरण भी वही है। अगर यहां पर निर्जरा पूछा जाता है, निर्जरा, तो वो भी इसी से संबंधित है। मोक्ष की प्राप्ति को जैन दर्शन में निर्जरा कहा गया, यानी मृत्यु जब हो जाती है तो उसको निर्जरा कहा गया है। तो याद रखिएगा, समलेखना समाधि मरण या निर्जरा आपसे पूछे, तीनों चीजें जो है वो वही है। ठीक है, जैन दर्शन संबंधित। तो जैन दर्शन जो है यहां पे कंप्लीट होता है, जैन दर्शन के जो महत्वपूर्ण चीजें आपसे पेपर में पूछी जाती है। अब हम यहां पर देखेंगे कुछ दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो पेपर में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन में जो है धर्म किसे कहा जाता है। देखिए, धर्म जो है उसको इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है, और रिलीजन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द रिलीजियर से बना होता है। ठीक है, तो रिलीजन जो है वो अंग्रेजी लैटिन भाषा के शब्द रिलीजियर से बना है। रिलीजियर का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना। ठीक है, तो धर्म किसको कहा जाता है, जो मनुष्य व ईश्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है और समस्त मनुष्यों को एक परस्पर संगठित या एक दूसरे के साथ बांध देता है, वही कहलाता है धर्म। जैसे कि मान लीजिए सिख धर्म, हिंदू धर्म, यानी हिंदू धर्म में जितने भी मनुष्य है वो एक साथ सभी एक ही नियमों के तहत एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उसको कहा गया है धर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अभी यूपीएससी में आया भी था धर्म से परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, मनुष्य व ईश्वर के मध्य जो संबंध स्थापित करता है और मनुष्यों को आपस में एकजुट करता है या बांधता है, उसको धर्म कहा गया है। ठीक है, अगला परिभाषा देखते हैं रित। रित जो है पीएससी 2015-16 का क्वेश्चन है, रित किसे कहा गया है। ठीक है, तो रित का एक्चुअल मीनिंग होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है, रित का एक्चुअल मीनिंग होता है प्राकृतिक नियम। संसार में जो भी है वह रित नियम से ही हो रहा है, यानी संसार में जो भी घटित होता है, ठीक है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, सूर्य का उगना डूबना, ठीक है, चंद्रमा का निकलना, जितने भी नियम है संसार में जो भी चीजें हो रही है वो इस रित को ही फॉलो करती है। यानी रित एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है, संसार में जो भी घटनाएं होती है वो रित के द्वारा ही होती है, इसके नियम के अनुरूप ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रित का एक्चुअल मीनिंग होता है प्राकृतिक नियम, जो कि वेदों में बताया गया है। और वरुण जो एक वैदिक जो ईश्वर है या भगवान कहा जाता है, वरुण, वरुण को जो है रित के रक्षक कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी संसार में जो भी चीजें हो रही है वो वरुण के द्वारा कंट्रोल है, ऐसा वेदों में कहा गया, यानी रित का रक्षक कहा गया। और यहां तक कि वेदों में उनको रितस्य गोपहा भी कहा गया, रितस्य गोपा भी कहा जाता है कई जगह। तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रितस्य गोपा, कहीं कहीं पे गोपहा लिखा रहता है। तो रितस्य गोपहा नैतिक नियम या प्राकृतिक नियम आपको याद रखना है, संसार में जो भी है वह रित के नियम से ही फॉलो हो रहा है, और रित का रक्षक वरुण को माना गया है।
और ठीक है, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, वरुण का ही दूसरा नाम है ऋतस्य गोपा, ठीक है, या गोपहा भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया था कि ऋत क्या है, ऋत जो है वो प्राकृतिक नियम है। अगला देखते हैं, पूछा गया था पेपर में अनंग क्या होता है, ठीक है, अनंग जो होता है, अनंग कामदेव का ही दूसरा नाम है, एक और नाम है कामदेव का, कामदेव को अनंग कहा गया है। ऐसा माना गया है कि जो भगवान शिव थे उन्होंने जो है कामदेव को भस्म कर दिया था, भस्म कर दिया यानी उनके सब सभी शरीर के जितने भी अंग थे वो भस्म हो गए थे, इसलिए अनंग, उन कामदेव को अनंग कहा जाता है, और अनंग का मतलब ही होता है बिना शरीर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अनंग किसको कहा गया है, कामदेव को कहा गया अगर पेपर में, क्योंकि कामदेव किसके देवता माने गए, काम के देवता माने गए हैं, ठीक है। काम का यहाँ पर अर्थ जो है प्रजनन से संबंधित है, कहीं कहीं पे सुखों से संबंधित होता है, तो यहाँ पर प्रजनन से संबंधित है, प्रजनन के देवता माने गए हैं कामदेव, और ठीक है ऐसा कहा गया है बुकों में, और जो कामदेव है इन्हीं को अनंग कहा गया। तो पेपर में आया था अनंग का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में काम दिया हुआ था, तो इसका आंसर काम ही लिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना आपको, अनंग का मतलब का अनंग का कामदेव का ही दूसरा नाम है अनंग, अनंग का मतलब होता है बिना शरीर, और इससे संबंध है काम से, ठीक है। तो जितना भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट था दर्शन से संबंधित उसको हमने कंप्लीट किया है। एक वीडियो हमको और लगेगा जिसमें हम कर्म से संबंधित, जैसे गीता से पूछा गया क्वेश्चन था, या कर्म जो है प्रारब्ध कर्म क्या होता है, ये सब पेपर में आता है क्वेश्चन, वो देखेंगे। इसके अलावा जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये सब क्या होता है, एक वीडियो हम उसमें बनाएंगे, तो उससे जो है दर्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोगों ने बौद्ध संगति वाला जो है वो बोला था, संगति जो हुई है बौद्ध सम्मेलन उसके बारे में, तो उसको भी मैं बना दूंगा, उसका भी वीडियो, और जिले वाला जो बचा हुआ उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आपकी हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।